क्या तुमने कभी टारगेट किया? मैंने भी किया। किसको किया? ओजी एलीट को किया। कहां पे किया? वर्ल्ड ईस्पोर्ट्स कप में किया। यही कहानी चल रहा था आज वर्ल्ड ईस्पोर्ट्स कप में, ओरैंगोटैंग एलीट वर्सेस लेजेंड स्टाइल एरो के साथ चल रहा था 2B गेमर का। ठीक है, बात यह है कि टारगेट करना गलत बात नहीं है, कि अगर आपको कंपटीशन जीतना है तो आपको अपने कंपटीशन को हटाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि मेरे और एरो के बीच में अगर एक फाइट चल रहा है, तो अगर एरो मेरे से 10 पॉइंट ऊपर है या फिर 20 पॉइंट ऊपर है, तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि एरो को वहां से हटाया जाए या फिर हराया जाए। क्योंकि देखिए, अगर मैं पॉइंट निकाल रहा हूं, अगर मैं मैच जीत रहा हूं, तो अगर एरो भी पॉइंट निकालेगा, मैं भी पॉइंट निकालूं, तो ऑब्वियसली बात है एरो हमेशा आगे ही रहेगा, क्योंकि वो मेरे से ऑलरेडी 2 कदम आगे चल रहा है, राइट। तो मैं अगर उनको 0 पे एलिमिनेट ना करूं, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को भी टूर्नामेंट में जीतना है। तो ये बहुत ही सही डिसीजन था उनके तरफ से कि हमें जाके स्ट्रॉन्ग को टारगेट करना है, ताकि हम हमारे हिसाब से अपने आप को इंप्रूव कर सके और हम अपने आप को जीत के लेके जा सके वर्ल्ड ईस्पोर्ट्स कप। अब बारी आती है एनालिसिस की, जो हम रेगुलरली करते हैं। वर्ल्ड ईस्पोर्ट्स कप का डे नंबर 4 ग्रैंड फाइनल से खत्म हो चुका है, जहां पे आज टोटल गेमिंग की टीम ने एक नेक्स्ट लेवल गेम प्ले दिखा दिया है। रॉकी भाई तो वहां पे कास्टिंग के टाइम पे टीजी मांगे भूया भूया तो कर ही रहे थे, और आज सिर्फ 3 भूया ने निकाला। सबसे अमेजिंग बात तो ये लगा मुझे कि फौजी भाई ने आज 95% ऑफ द मैचेस में एक सटीक जोन रोटेशन पॉइंट पे वो लेके गए, जिस वजह से टोटल गेमिंग की टीम आज टॉप 3 से नीचे ही नहीं आए। एंड ओवरऑल स्कोरबोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि क्या चल रहा है, तो सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं, सिर्फ 6 पॉइंट का डिफरेंस है केमेन ईस्पोर्ट्स से। अब बात आ चुकी है कि ऐसे दिन पे कमबैक मारा है टोटल गेमिंग की टीम में, कि केमेन ईस्पोर्ट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब कल सिर्फ 6 गेम्स बाकी है, वर्ल्ड ईस्पोर्ट्स कप खत्म होने में सिर्फ 6 गेम्स बाकी है। 6 गेम्स में हमें पता लग जाएगा कि वो 75 लाख रुपए का हकदार कौन होने वाला है, कौन सी टीम होने वाली है, क्या वो टोटल गेमिंग है, क्या वो केमेन है, क्या वो ओरैंगोटैंग एलीट है, या फिर एरो है, या फिर 2B गेमर है। ठीक है, हालांकि आज के दिन में 2B गेमर और हमारे एरो का फाइट चलता रहा, और लेजेंड स्टाइल और ओरैंगोटैंग एलीट का चलता रहा, इस वजह से ओरैंगोटैंग एलीट का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा अच्छा खासा निखर के आ नहीं पाया। ये एक प्रॉब्लम है, देखिए जब अर्ली फाइट टीम्स लेती है ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर किसी को गन मिला तो वो सिचुएशन में एडवांटेज क्रिएट करेगा, गन नहीं मिला तो फिर सामने वाले को एडवांटेज नहीं मिलेगा, नहीं हंसते आपको खत्म किया जाएगा। अब शुरुआती वक्त में आज जो किलर को चेस डाउन करके मारा गया ना टोंडे गेमर की तरफ से, आज टोंडे गेमर ने भी कहीं ना कहीं ओरैंगोटैंग एलीट के साथ एक शुरुआती मैच में ही फाइट लिया था बर्म्यूडा में, जहां पे वो चेस करते लिटरली कहां से कहां पे उन्होंने किलर को लिटरली भगा के मारा। एंड वो देखने में अगर देखा जाए तो वो एक तरीके से मनोबल तोड़ना चाहते ओरैंगोटैंग एलीट का, बट हम जानते हैं कि ओजी एलीट कितना स्ट्रांग है, कितना ज्यादा दावेदार है वो वर्ल्ड ईस्पोर्ट्स कप में, तो अभी भी ऐसा मुझे लगता है कि वो कमबैक कर सकते हैं। बट लेट्स सी कि कल 6 मैचेस में क्या होता है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना, कि क्या टोटल गेमिंग जीतेगी, क्या केमेन ईस्पोर्ट्स जीतेगी, क्या ओजी एलीट जीतेगी, क्या एरो जीतेगी, या फिर अ टीम फ्रॉम पाकिस्तान और 2B गेमर और दादा गैंग, कोई भी हो सकता है। अभी के लिए चांसेस जो सबसे ज्यादा है केमेन एंड टोटल गेमिंग का लग रहा है, क्योंकि उनका जो टक्कर है वो कांटे का चल रहा है। दैट्स इट गाइस, एंड इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि हम लोग बहुत पास आ चुके हैं 5K सब्सक्राइबर्स के। एंड इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ गाइस।